व्हाट्स अप गाइस, इंडिया ने भैया चारों खाने चित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को 2.5 दिन में निपटा दिया टेस्ट में, बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है देखते हैं वीडियो का टाइटल है, 10 सालों बाद भारत ने दर्ज की इतनी बड़ी जीत। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंडिया ओपन द कमेंट हो जाएगा भैया। मतलब कि मजा आ गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हो गया, मजा आया। तो पहले वीडियो देखते क्या बोला है पाकिस्तान की मीडिया ने। 1 2 3 लेट्स गो। एक सेशन In India, 32 overs and Ashwin's magic. What a brutality by Team India. ये बता दिया है कि डोमिनेंस क्या होती है। ये लोग तो कहते हैं हमने सेशन में डोमिनेट किया, ये होता है डोमिनेट करना। फाड़ के चला गया रोहित शर्मा। इसको कहते हैं बलात्कार कर दिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्रिकेटिंग 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 नंबर वन टीम। इसको कहते हैं नंबर वन टीम। 91 के ऊपर ऑल आउट हो गई है नंबर वन टीम। ऑस्ट्रेलिया की ये इनकॉम्पिटेंस थी जो इंडिया के सामने एक बड़ी इनिंग और 132 रन्स से ये गेम हारा। तो ऐसा ही है विद इन अ सेशन, क्लूलेस क्लूलेस, एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हैमरिंग। नहीं मतलब कि पहले रोला डाला, पिच 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 तो कुछ निकली ही नहीं। पिच में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, आपके सामने किया ना इंडिया ने बल्लेबाजी, मारे रन्स। ऑस्ट्रेलिया जो के इंडिया में उतरा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तैयार हैं, ऑस्ट्रेलिया को मिन्नू बना दिया और ऑस्ट्रेलिया को अश्विन ने शर्मनाक हार दिया। कल परसों से उनकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया को जो नजर आ रहा था कि पहले ही नजर आ रहा था कि कहानी खराब है। एक सेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं टिक सका 32 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया 223 की लीड खाने के बाद थैंक यू वेरी मच करके सवेरा 2.5 दिन में ये गेम खत्म हो गया। मतलब कि कैसे यार 91 ऑल आउट, कैसे कम से कम 223 रन तो अपने कर जाते। एक सेशन इन इंडिया 32 ओवर्स एंड अश्विन्स मैजिक, व्हाट अ ब्रुटैलिटी बाय टीम इंडिया। एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बीन एम्बैरेस्ड एट होम विद ऑल दैट क्राई पिच टेम्परिंग एलिगेशंस। ऑस्ट्रेलिया की ये इनकॉम्पिटेंस थी जो इंडिया के सामने एक बड़ी इनिंग और 132 रन्स से ये गेम हारा। ये हल्की जीत नहीं है, ये इतिहास के अंदर पन्नों के अंदर जाके सुनहरे अल्फाजों से क्या ये डायमंड से लिखने वाली जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो के इंडिया में उतरा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तैयार हैं और हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है और ये हो जाएगा, एक सेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं टिक सका 32 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया 223 की लीड खाने के बाद थैंक यू वेरी मच करके सवेरा 2.5 दिन में ये गेम खत्म हो गया। पिच को ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे, लेकिन एक चीज को आप ब्लेम करो ना करो कि ये ऑस्ट्रेलिया की इनकॉम्पिटेंस थी। पेस आप खेल नहीं सके, स्पिन आप खेल नहीं सके, बॉलिंग आप कर नहीं सके, इंडियन बैटिंग को आप बंडल आउट कर नहीं सके। आपके 177 के ऊपर 400 लग गए और उसके बाद कोई बहाना रह तो नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया से पूछो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया से पूछो, कुछ रह तो नहीं गया, कोई बहाना है अभी भी मौजूद तो जरूर आके बताइएगा। बिकॉज दिस हैज बीन अ ब्रूटल डोमिनेंस। डोमिनेंस एक छोटा लफ्ज है, ये ब्रूटैलिटी है, ये डोमिनेशन का भी मम्मा पापा दादा चचा दादे का भी अब्बा उसका भी अब्बा, ये डोमिनेंस बहुत छोटा लफ्ज बन के रह जाता है। ये डोमिनेंस बहुत छोटी डोमिनेंस है, ये ब्रुटैलिटी है, ये वन साइडेडनेस है, ये शेयर इनकॉम्पिटेंस है ऑस्ट्रेलिया की। और इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत लेके सुरखुरू किया, दुनिया को भी दिखाया, अपने पड़ोस पाकिस्तान को भी दिखाया और सबको दिखाया कि अपने घर के ऊपर शेर किस तरह खेलते हैं। और ये वाकई शेरों वाली परफॉर्मेंस थी। क्या कमाल किस्म की जो है वो इंडिया ने धुलाई करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को इबरतनाक शिकस्त दे दी है, अपने घर पर इंडिया ने कमाल कर दिया है, सुपर डुपर शिकस्त जो है वो दे दी है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, किसी ने ये सोचा ना था। यही वो पिच है, यही वो कहानी है जहां पर जो है बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा था कि भजन ये स्पिन ट्रैक ना हो, लेकिन इंडिया ने स्पिन ट्रैक बनाया और स्पिन ट्रैक बनाकर एक बहुत ही बड़ी शिकस्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर दे मारी है। मजा आ गया भाईजन। अश्विन जिसका जादू जो चला है,
ऐसा जादू चला फिर अश्विन ने सबको बता दिया कि किस तरीके से जो है वो इंडिया को इंडिया में जितवाया जाता है। कमाल कर दिया अश्विन ने, कमाल कर दिया जड्डू ने, ऑस्ट्रेलिया अपने घुटनों पर आ गया। क्या कहेंगे दाऊद साहब, तारीखी जीत है, बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी जीत है। 91 रन पर पूरी ऑस्ट्रेलिया को बुक कर दिया। अगर आपको याद होगा कल हम यही बात कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच चार दिन भी नहीं जाएगा, ये टेस्ट मैच तीन दिन में खत्म हो जाएगा और वही हुआ है। लग रहा है डॉक्टर साहब आए हैं, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश बना दिया, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया को मिन्नू बना दिया और ऑस्ट्रेलिया को अश्विन ने शर्मनाक हार दिया। कल परसों से उनकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया को जो नजर आ रहा था कि पहले ही नजर आ रहा था कि कहानी खराब है, आज चिखा निकल गई। बिल्कुल नहीं, बहुत ही कमाल किस्म का जो है इस वक्त बम्बूजल करके रख दिया है। क्या कमाल किस्म का जो है वो शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा नहीं था कि तीन दिन में जो ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था, दाऊद ने भी नहीं सोचा था, मुझे लग रहा था ये टेस्ट मैच एटलीस्ट चार दिन पर तो जाएगा। जिस क्रीज के ऊपर, जिस पिच के ऊपर अगर इंडिया जो है 400 रन की बैटिंग कर सकता है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वो थोड़े रन भी नहीं बना पाएगी? क्या किया ये ऑस्ट्रेलिया के साथ? इतनी खूबसूरत जीत इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को, ये उस चीज का जवाब है जिसको लेकर वेला मचाया हुआ था, ऑस्ट्रेलियन मीडिया वेला मचा रहा था कि भाई जन ये देखे इन्होंने बॉल ट्रैपिंग कर दी, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। और जिस चीज का अश्विन का सर के ऊपर इनके चढ़ा हुआ था बुखार, तो अश्विन ने कर दिखाया। भाई अश्विन लेजेंड है आज के मैच का, 5 आउट आज के मैच में अश्विन जो है सिंगल हैंडेडली कर गया और 91 रन पर जो है वो ढेर कर दिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी जेंट बैटिंग को, जिसके अंदर स्मिथ मौजूद है, जिसके अंदर वार्नर मौजूद है, जिसके अंदर ख्वाजा मौजूद है। कब हम सीखेंगे, कब पाकिस्तान भी सीखेगा कि कैसे अपने होम के ऊपर जीता जाता है, कैसे डोमिनेट किया जाता है? सीखना है तो सीखो इंडिया से भाई। नहीं, आज बता दिया भारत ने और सबको बता दिया, पाकिस्तान को भी बताया है, श्रीलंका को भी बताया है कि ऐसे खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया को भी बता दिया कि आप घर पर जब आप ये कहकर आ रहे थे, स्मिथ के बयान आ रहे थे, पॉन्टिंग के बयान आ रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के बात आ रहे थे, फॉक्स न्यूज बात कर रहा था, चैनल 7 बात कर रहा था, ब्रिस्बेन अखबार बात कर रहा था, रेडियो चैनल्स बात कर रहे थे, उनको बताया है कि भाई घर में घुसकर ऐसे मारते हैं जैसे हमने घुसकर मारा था ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था हम इनको मारेंगे घर में। तो भाई एक इनिंग से हराया है, एक इनिंग और 132 रन, अनबिलीवेबल वाली विक्ट्री है इंडिया की। कमाल, धमाल, सुपर धमाल विक्ट्री। आज मजा आ गया, आज आप जितनी तारीफ करो, आज कामयाब अली अश्विन ने आज शर्मिंदा कर दिया पूरी ऑस्ट्रेलिया को। हाँ भाई साहब, बिल्कुल अग्री करूंगा मैं, मतलब कोई मजाक थोड़ी है, एक इनिंग और 132 रन से जीतना, बैटिंग भी ना करनी पड़ी ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया गई थी तब इनको हरा के आई थी बड़ोदा में, और अब यहाँ आए हैं तो इनको यहाँ बोला कि जो वहां था वक्त वो यही वक्त है, अब हम घर में और भी तगड़े शेर हैं। और एक चीज तो ये है, पहली इनिंग में जड्डू माइंड ब्लोइंग, सर जडेजा जिनको कहते हैं, और इस इनिंग में बैटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, बॉलिंग में ही अश्विन ने कहा जड्डू तूने बैटिंग में करी बढ़िया, तो रेस्ट कर, अपुन करेगा आज काम, हम करते हैं प्रबंध। तो प्रबंध बहुत बढ़िया हुआ है। कमेंट में गाइस इंडियन टीम ओपी जरूर हो जाए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। और बाकी ये चीज पाकिस्तान की मीडिया ने सही बोला कि मतलब बाकी टीमों को भी सीखना चाहिए घर में किस तगड़े तरीके से बाउंस बैक करना, और इंडिया ने मतलब उनको मौका ही नहीं दिया। उसी पिच पे इंडिया ने 400 बनाए, और ये बिल्कुल भी मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि 32 ओवर्स के अंदर ही पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम निपट जाएगी। और प्लस आखिर में पार्टी भी कर ली जमीन आके, दो विकेट लिए, और बैटिंग में भाई साहब 37 रन बनाए, उसमें ताबड़तोड़ बैटिंग 47 37 का है भैया, हम आए हैं दबंग आदमी, हम तो ऐसे ही मारते हैं। बाकी भैया आई एम श्योर जिसने मैच देखा होगा वो बोल रहा होगा भैया ये तो मैच टेस्ट मैच का, मैं ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बस घर जाना, जल्दी होटल पहुंचना है वापस। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो से रिलेटेड जरूर बताना कमेंट में, और बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।